मालिक बिन दिनार रहमतुल्ला अलैह जा रहे थे कि एक बांधी को देखा, बड़ी खूबसूरत टहलती हुई चल रही है, चंद गुलाम भी उसके साथ हैं। उनके दिल में ख्याल आया कि थोड़ा इसको सबक सिखाएं। वो करीब हुए और कहने लगे, ए बांधी, तुझे तेरा मालिक बेचता है? वो हंसी कि देखो, मुझे देखकर तो बूढ़े भी जवान हो गए। क्यों जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। कहने लगी, अच्छा चलो मेरे साथ। वो अपने गुलामों को कहने लगी, इस बूढ़े को साथ लेकर चलो, हम जाकर अपने मालिक को बताएंगे कि देखो, मेरी शक्ल देखकर ऐसे बूढ़े भी मेरे खरीदारों में शामिल हो जाते हैं, जरा मजाक रहेगा। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह भी पीछे पीछे साथ चलते रहे, हत्ता के उसके मालिक तक पहुँच गए। बांदी ने बड़ा हंस हंस कर नाज नखरे से अपने मालिक से कहा कि आपको बताऊं, ये बुढ़ा मुझे खरीदना चाहता है। उसका मालिक हंसा और हंसते हुए कहने लगा, क्यों बड़े मियाँ, खरीदना चाहते हो? मालिक बिन दिनार रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया, जी हाँ, खरीदना तो चाहता हूँ। बांदी के मालिक ने कहा कि आप बताओ, कितने में खरीदना चाहते हैं? कहने लगे, मैं तो चंद खुश्क खजूरों के बदले खरीद लूंगा। बांदी का मालिक बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी रश्के कमर परी चेहरा बांधी और ये कह रहे हैं कि मैं चंद खुश्क खजूरों के बदले खरीद लूंगा। उन्होंने कहा, क्यों भाई, इतनी थोड़ी कीमत क्यों? कहने लगे, असल में इसमें ऐब बहुत ज्यादा हैं। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, भाई कौन से ऐब हैं? कहने लगे कि इसका जो हुसन है वो आरजी है, थोड़े दिनों के बाद ये बुढ़िया हो जाएगी, शक्ल देखने को दिल नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि चंद दिन ना नहाए तो बदन से पसीने की बू आ जाएगी, इसके सर में जुएं पड़ जाएंगी, नजला जुकाम की वजह से नाक बहती है, फिर इससे बढ़कर बड़ी बात ये है कि ये मतलब परस्त है, अब तो आपके पास है, आप जरा आंखें बंद करेंगे तो ये किसी और की बन जाएगी। तो ऐसी बेवफा और ऐसी फना होने वाली चीज की मैं तो इतनी ही कीमत दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बांधी के मालिक ने कहा, मगर आपने ये थोड़ी सी कीमत क्यों लगाई? कहने लगे कि इस वजह से कि मुझे एक बांधी मिलती है, उसको अल्लाह ताला ने ऐसा हुसन दिया कि अगर वो अपना दुपट्टा आसमान की तरफ कर दे तो सूरज की रोशनी मानद पड़ जाए, अगर वो मुर्दे से कलाम करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर खारे पानी में थूके तो मीठा पानी हो जाए, लबास पहने जो 70 रंग झलके और उसके अंदर इतनी खूबसूरती हमेशा के लिए है, और उसके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बात को आंखों से देखा जा सकता है, ये आखिरी रात को दो नफिल पढ़ने पर बंदे को मिल जाती, तो जब दो नफलों पर ऐसी चीज मिलती है तो फिर इसकी तो मैंने खजूरें भी ज्यादा ही कीमत लगा दी है।